ओके, यहाँ पर देखो ये वाला मैथ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ऊपर सेक्स स्क्वायर एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव करने से सेक्स स्क्वायर आता है, हमें पता है टेन स्क्वायर का। तो नीचे वाला पोर्शन में मुझे टेन स्क्वायर चाहिए, तो ऊपर वाला पोर्शन में सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स रूट ओवर फाइव माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब नीचे वाला पोर्शन हमारा आ गया रूट ओवर फोर माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ऊपर आ जाएगा हमारा सिक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो कैलकुलेट कर लेते हैं, ऊपर सिक्स स्क्वायर एक्स है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट टेन एक्स को कुछ पकड़ना पड़ेगा। तो टेन एक्स को हम यू पकड़ लेते हैं यू। अब टेन एक्स का डेरिवेटिव करने से क्या आएगा, सिक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू। ओके, सो ऊपर वाला पोर्शन हमारा डी यू रूट ओवर, नीचे वाला पोर्शन क्या है माइनस, दिस इज यू स्क्वायर एंड दिस इज फोर, फोर मीन्स टू स्क्वायर। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्टेंट वाला पोर्शन सम नहीं, यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा साइन इनवर्स यू बाई टू प्लस थ्री। सो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स हाफ यू का मतलब टेन प्लस थ्री। ये हुआ नीचे वाला मैथ पे चलते हैं सेकेंड मैथ में। ओके, ये वाला देखो, अब ऊपर वाला पोर्शन में क्या था, देखो यहाँ पर दो पार्ट था, यहाँ पर एक एक करके देखो, यहाँ पर एक पार्ट, यहाँ पर और एक पार्ट, मतलब दो पार्ट था, बट यहाँ पर देखो हमारे पास तीन पार्ट है। अब फॉर्मूला हमारे पास तो सिर्फ दो के लिए ही है, क्योंकि डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर तब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा ही है सब, मतलब दो पार्ट रहेगा। तो बट यहाँ पर तो हमारे पास तीनों पार्ट है, तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको दो पार्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले ये नीचे वाला क्वेश्चन को यहाँ पर हम सजा लेंगे, तुम यहाँ पर भी कर सकते हो बट हम यहाँ पर कर लेंगे नाउ लिख के। तो सेवन एक्स प्लस टू इजिकल टू, पहले इसको होल स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिक्स को कॉमन ले रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन बाई सिक्स एक्स प्लस टू बाई सिक्स इजिकल टू सिक्स। ये देखो स्क्वायर प्लस इसको तोड़ना है, फॉर्मूला के लिए मुझे क्या चाहिए टू ए, ए वाला क्वेश्चन क्या है एक, मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर सजाना है, तो उसके लिए क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए मुझे टू ए ए वाला क्वेश्चन मिल गया, तो नीचे कितना देना पड़ेगा ट्वेल्व देना पड़ेगा। ओके, अब बी वाला क्वेश्चन कौन सा होता है, यहाँ पर जो रहता है वही वाला बी पोर्शन है, तो यहाँ पर सेवन बाई ट्वेल्व, तो सेवन बाई ट्वेल्व का होल स्क्वायर, तो एक सेवन बाई ट्वेल्व का होल स्क्वायर को माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमने एक्स्ट्रा ले लिया है बाई टू बाई सिक्स। अब देखो यहाँ पर सिक्स पहला जो तीनों टर्म है, मतलब ये तीनों टर्म, ये तीनों मिलकर एक होल स्क्वायर क्रिएट करेगा, जैसे सेवन बाई ट्वेल्व उसका होल स्क्वायर माइनस, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको घुमा लेते तो अच्छा होगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, इसको अलग लाइन कलर से लिख लेते, इसको घुमा लेते वरना गलती हो सकता है, क्यों, कि सामने वाला पे माइनस है, तो पहले वाला प्लस को सामने ले लिए, माइनस वाला क्वेश्चन को पीछे ले लिए, ए दिस इज वन डबल फोर दिस इज फोर्टी नाइन। अब इसको कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं राइट साइड में, वन डबल फोर एलसीएम में आएगा, और यहाँ पर पोर्शन का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं सिक्स इज एक्स प्लस सेवन बाई ट्वेल्व का होल स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस नहीं, ये आ रहा है माइनस वन बाई डबल फोर। ओके, दैट मीन्स सिक्स सेकेंड ब्रैकेट छोड़ दो नहीं चलिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा डी एक्स आ गया, नीचे वाला क्वेश्चन में सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस सेवन बाई ट्वेल्व उसका होल स्क्वायर माइनस वन बाई डबल फोर। सो सिक्स वन बाई सिक्स का जो सिक्स है वो निकल जाएगा बाहर। ओके,
एंड डी एक्स। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो x प्लस सेवन ये सिंगल नहीं है, फॉर्मूला में हमारा सब सिंगल था, बट यहाँ पर x प्लस सेवन बाई ट्वेल्व ये सिंगल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस सेवन बाई ट्वेल्व इसको हमें उस पकड़ना पड़ेगा u। तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी यू, तो यह पर आएगा हमारा u बाई वन बाई फोर्टी फोर, वन डबल फोर मीन्स वन बाई ट्वेल्व का होल स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला में आ गया, देखो अब इसको कैलकुलेट कर लेते, वन बाई सिक्स कितना नंबर का फॉर्मूला है, यहाँ पर कांस्टेंट वाला पोर्शन पीछे है, वेरिएबल पहले है, तो नंबर टू वन बाई टू ए, लॉग ऑफ मोड ऑफ वेरिएबल पहले है इसलिए इसको रिस्पेक्ट देंगे, ऊपर ही देंगे, प्लस सी। ओके नाउ नीचे चलते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा, सिक्स ऊपर जाएगा, देखो यहाँ पर काटते हैं सिक्स आएगा, सिक्स ऊपर जाएगा, उसके बाद वन बाई सिक्स ये वाला सिक्स ऊपर जाएगा, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ, अब ये का वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस सेवन बाई ट्वेल्व, एक्स प्लस सेवन बाई ट्वेल्व माइनस वन बाई ट्वेल्व, एंड दिस इज एक्स प्लस सेवन बाई ट्वेल्व माइनस वन बाई ट्वेल्व, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस सिक्स, सिक्स इस कटेगा, लॉग मोड कैंसिल लिख लेते, क्या होगा एक्चुअल कैलकुलेशन करने के बाद, ऊपर वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स प्लस ऊपर में कितना आ रहा है, सिक्स बाई ट्वेल्व मीन्स, और नीचे वाला क्वेश्चन में आ रहा है एक्स प्लस एट बाई ट्वेल्व, तो एलसीएम कर लेते, ऊपर वाला क्वेश्चन में आएगा टू टू कटेगा, ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स, नीचे वाला क्वेश्चन में आएगा ट्वेल्व एक्स प्लस एट, और ऊपर नीचे कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ऊपर और नीचे कॉमन लेके काट देते हैं, चलो ऊपर वाला क्वेश्चन से हम कॉमन लेंगे कितना ले सकते हैं, सिक्स टू एक्स प्लस वन, एंड नीचे वाला क्वेश्चन से हम कॉमन लेके कितना कर सकते हैं, यहाँ से चार कॉमन ले सकते हैं, तो थ्री एक्स प्लस टू। ओके अब ये दोनों भी कटेगा, कटेगा तो क्या आएगा, थ्री बाई टू, मतलब यहाँ पर एक्चुअल में आ रहा है हमारा थ्री टू एक्स प्लस वन बाई टू, थ्री एक्स प्लस टू प्लस, अभी तक मैं ख़त्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये दो कांस्टेंट इंटू में है, तो इसको हम सिंपली करेंगे, यहाँ पर देखो एक चीज़, इसको हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ओके इसको एक पकड़ो, इसको एक पकड़ो, लॉक के अंदर है, मतलब यहाँ पर हम लॉक ये क्या है, मेरा पास लॉग का फॉर्मूला है, लॉग ए भी होता है तो क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब जितना कांस्टेंट अंदर है उसको निकालना पड़ेगा और कोई चारा नहीं, प्लस लॉग ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो ये वाला तो कांस्टेंट है और ये वाला भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट क्रिएट करेगा और यहाँ से चला जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा आता है जगह तो प्रॉब्लम, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को कांस्टेंट के एक साथ करने के लिए ये वाला जो सी होता है उसको हम सी वन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वही कर लेंगे, या पर सी वन इसको सी वन इसको सी वन इसको सी वन इसको सी वन में कन्वर्ट कर लिए, और मैंने पहले भी बोला है जब भी सी वन लिखना है लिखोगे तभी भी साइड में वो मुझे लिख लेना है क्या, वेयर सी वन इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, तो यहाँ पर देखो ये रह जाएगा और प्लस जिस एंड दिस में लेकर सी होगा वेयर, यहाँ पर लिख देंगे हम वेयर लॉग ऑफ सी बाई टू प्लस सी वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू सी सिक्स,